यो हेलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल FKM व्लॉग्स। तो बहुत टाइम बाद मेरा वीडियो आया था, एक इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है वो एक्शन कैमरे के ऊपर था। तो 4 महीने बाद एक वीडियो आया था, अभी मैं फिर से एक वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि अब मुझे रेगुलर वीडियोज़ बनाना है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो मैं आज आया हूँ फैशन स्ट्रीट। मैंने यहाँ पर सुना है काफ़ी चीप प्राइस में कपड़े, जूते, चप्पल सब कुछ मिलते हैं, तो मैं इधर खरीदने आया हूँ। मुझे 2 शूज़ खरीदना है और इसको 2 या 3 शूज़ खरीदना है। तो देखते हैं कितने तक का मिलता है, अगर इसको और कुछ पता ना है वो भी ले लेंगे, और मेरे को भी कुछ और पसंद आता है वो भी ले लेंगे। और मैं आपको पूरा मार्केट दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग मार्केट पहुँच गए लेकिन पूरा मार्केट बंद है, तो जैसे ही ओपन होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे लगे रहो और देखते रहो। तो गाइस, अभी हम लोग ने शॉपिंग कर लिया है। तो हम लोग ने टोटल लिए 5 शूज़ और हम लोग को शर्ट वगैरह भी लेना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग कॉस्ट बोल रहे थे तो हम लोग ने लिया नहीं है। तो मैं अभी घर जा रहा हूँ, घर जाके आपको शूज़ वगैरह दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करता हूँ। सो गाइस, मैं अभी घर पर पहुँच चुका हूँ। तो मैं सब शूज़ इधर पर टेबल पर लगा दिया हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊँगा शूज़ कौन कौन से शूज़ लिए और कैसे कैसे लिए और कितने रेंज में लिए। पहले मैं आपको शूज़ दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा उधर पर कैसे बार्गेनिंग करने का, कैसे क्या लेने का, वो लोग कितना प्राइस बोलते हैं। पहले मैं आपको शूज़ दिखा देता हूँ। सो गाइस, मैंने ये सारे शूज़ लिए हैं, टोटल मैंने 5 शूज़ लिए हैं। तो मैं आपको फर्स्ट दिखा था, फर्स्ट ये मैंने लिया है। इसका प्राइस वो लोग ने मुझे बोला था 2000 रुपीज़, बट मैंने बार्गेनिंग किया, मैंने कम कराया, उसके बाद मुझे मिला ये 700 का। ये बोला था, ये शूज़ का प्राइस उन्होंने बोला था 1000 रुपीज़, ये 1000 बोला था, ये मुझे मिला 450 रुपीज़ में। ये मेरा शूज़, मेरा फेवरेट शूज़ लगा मुझे अच्छा लगा। इसका भी उन्होंने 2000 बोला था बट मुझे मिला 1000, 1000 नीचे मुझे कोई नहीं दे रहा था, तो मैंने ये शूज़ ले लिया। और एक ये शूज़ है, ये शूज़ का भी प्राइस उन लोग ने बोला था 2000 रुपीज़ बट मुझे 800 में मिला है। ये और वो मैंने दोनों साथ में लिया है। और ये शूज़ मुझे मिला 700 रुपीज़ में। मोस्टली जितने भी शूज़ है सबका प्राइस वो लोग ने सेम बोला था। सो गाइज, मैंने आपको सब शूज़ दिखा दिए, मैंने टोटल 5 शूज़ लिए हैं। और मोस्टली जहाँ भी मैं जाता था शूज़ लेने, सब एक ही प्राइस बोलते थे, 2000-2500 से स्टार्ट करते थे। तो अगर आप उधर जाओगे, आप अगर बोलोगे मुझे ये शूज़ चाहिए, तो वो प्राइस उनका हाई रहेगा। आप अगर उधर से निकलने लग जाओगे तो वो बोलेंगे आपको 800-900 से बोलेंगे। फिर अगेन वो शॉप पर जाओगे तो वो लोग कम करेंगे, 600-700 तक दे देंगे। बट कुछ कुछ शूज़ है, जैसे कि ये वाला शूज़, ये वाली की क्वालिटी अच्छी थी इसके लिए, और इसका हैवी वेट था इसके लिए उसने 1000 में दिया, क्योंकि वो शूज़ 1000 में ही बिकता है, इसके लिए मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लगा। और अगर आप उधर कपड़ा लेना चाहते हो, नॉर्मल शर्ट्स की प्राइस वो लोग बोलते हैं 800-1000 रुपीज़। अगर आपको लेना है तो आपको बार्गेनिंग कराना ही पड़ेगा। अगर आप उनको 200 बोलोगे तब वो 350 पे आएंगे, अगर 250 बोलोगे तब 300 पे आएंगे। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको चीप प्राइस में नहीं मिलेगा, वो लोग एकदम हाईएस्ट प्राइस बोलेंगे, एकदम सबसे ज़्यादा प्राइस बोलेंगे। तो उधर पे मुझे ज़्यादा वीडियो बनाने मिला नहीं, क्योंकि वो लोग वीडियो बनाने दे नहीं रहे थे, उनको उधर पे अलाउड नहीं है यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाने का और डालने का। तो मैंने कैसे कैसे करके नॉर्मल वीडियो बना लिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में।